टॉक्सिकोलॉजी, फार्माकोलॉजी टॉक्सिकोलॉजी है जो वो हमारे जो डी फार्मेसी सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है। एंड ईफ बी फॉर्म मेडिकल की जितनी जो लाइन्स हैं, नर्सिंग, MBBS, MD, जो BSc नर्सिंग है, उन सब में ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी। ये फार्माकोलॉजी और टॉक्सिकोलॉजी में आज हम लोग जो फर्स्टली डिस्कस करेंगे, व्हाट इज फार्माकोलॉजी, व्हाट इज स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि फार्माकोलॉजी जो है हमारा वो क्या सब्जेक्ट है, इसमें हम क्या स्टडी करते हैं, इसमें सब्जेक्ट में किस चीज़ की स्टडी करते हैं, ये सब कुछ हम इसमें आज स्टार्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन करेंगे। फर्स्ट वन, इसमें हिस्टोरिकल जो डेवलपमेंट्स है, जो इसकी हिस्ट्री है, जो हिस्ट्री है हमारी, इसमें जो हिस्ट्री में हिप्पोक्रेटिस जो है, जो हिप्पोक्रेटिस थे, हिप्पोक्रेटिस है, इनको हम लोग फादर ऑफ मेडिसिन बोलते हैं। फादर ऑफ मेडिसिन क्योंकि इन्होंने फर्स्टली जो बताया था कि जो हमारे अबनॉर्मल जो रिएक्शंस है बॉडी में, जो अबनॉर्मल हमारे बॉडी में रिएक्शंस होती हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, डिजीज। इन्होंने फर्स्टली डिस्कवर किया था, कौन से ईयर में इन्होंने डिस्कवर किया था, 460 से लेकर हमारे 375 BC में इन्होंने ये डिस्कवर किया था कि जो डिजीज है वो डिजीज क्या है, हमारी बॉडी में जो डिजीज होते हैं वो क्या, अबनॉर्मल फंक्शन ऑफ बॉडी। फर्स्ट टाइम इन्होंने हम जो है इंट्रोड्यूस करवाया था, जो भी ह्यूमन बींग्स हैं, डॉक्टर्स हैं, या फिर जो उस टाइम वैद्य वगैरह होते थे, जो पुराने जो उस टाइम के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करते थे, उनको ये इंट्रोड्यूस किया था फर्स्ट टाइम कि जो हमारी डिजीज है हमारी बॉडी में वो क्या होता है, कि जो डिजीज कैसे रिकॉग्नाइज होती है हमारी बॉडी में, कैसे रिकॉग्नाइज होगी, कैसे डिवेल्प होती है। उन्होंने बताया कि जो अबनॉर्मल रिएक्शंस है हमारी बॉडी में, वो हमारे जो बॉडी है उसमें डिजीज रिकॉग्नाइज करते हैं, उनको डिवेल्प करते हैं। उन्होंने इस चीज से भी इंट्रोड्यूस करवाया था कि जो हमारे मेटैलिक सॉल्ट है, जो मेटैलिक सॉल्ट्स होते हैं, उनको हम लोग एज अ ट्रीटमेंट, हम एज अ मेडिसिन उनको यूज कर सकते हैं डिजीजेस में, उनसे हम लोग जो ट्रीटमेंट करते हैं किसी भी डिजीज का, मेटैलिक सॉल्ट्स को हम लोग यूज कर सकते हैं एज अ मेडिसिन। उसके बाद फर्दर आगे जो है वो डेवलपमेंट्स होती गई, जिसमें हम लोग उन जो हर्बल ड्रग्स हैं, हमारे जो हर्बल प्लांट्स हैं, उनसे डिस्कवर किया था कि हम लोग जो कैसे डिजीज को कैसे हम लोग ड्रग को मेंटेन करेंगे और उनका जो है वो इफेक्ट पड़ेगा हमारी बॉडी में, क्या इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट वी विल स्टार्ट फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी क्या है, ऑल अबाउट यूटिलाइजेशन
उसकी नॉलेज और उसके जो हम लोगों ने बेटरमेंट हेल्थ की बेटरमेंट के लिए जो हम लोगों ने स्टडी किए थे, जो हमने ब्रांचेस बनाई, उनमें से एक ब्रांच हमारी फार्माकोलॉजी है। जैसे फार्मेसी में बहुत सारे जो फार्मेसी ब्रांच एक है, MBBS एक होगा, इंजीनियरिंग, ऐसे अलग अलग ब्रांचेज हैं, उनमें आगे सब्जेक्ट अलग अलग है। ऐसे इसी में हमने फार्माकोलॉजी की ब्रांच बनाई है जिसमें हम लोग ड्रग और बॉडी के बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन हमारे पास जो फार्माकोलॉजी है, फार्माकोलॉजी में हम लोग जो डिस्कस करेंगे मेनली ऑल अबाउट इट इज ऑल अबाउट द स्टडी ऑफ ड्रग ड्रग साइंस है जो ड्रग के साथ रिलेटेड करती है, उसके साथ डील करती है, एंड उस
एंड स्टडी या फिर नॉलेज, वो है हमारा फार्माकोलॉजी। अब ये फार्माकोलॉजी है, इसको हम लोग स्पेशली जो मेडिकल ट्रीटमेंट में स्पेशली हम लोग इस टर्म्स को यूज करते हैं, दैट इज टू गिव मेडिकल ट्रीटमेंट स्पेशली। एंड द वर्ड ड्रग, अब ड्रग क्या है हमारे पास, इसमें हमने हाईलाइट किया है ड्रग, जो ड्रग है जो हमारे पास है वो है एक केमिकल, जो एक केमिकल सब्सटेंसेस है जिसको हम लोग यूज किसके लिए करते हैं, ड्रग को, ड्रग के हमारे पास में है केमिकल सब्सटेंस। हमारे जो हर एक टर्म है उसमें बार बार हमारे पास एक वर्ड आया है, वो है ड्रग आया है, हम उसे पहले डिस्क्राइब करते हैं। ड्रग के केमिकल सब्सटेंस है जिसको हम लोग, जो केमिकल सब्सटेंसेस है उनको हम लोग केमिकल सब्सटेंस यूज्ड इन द प्रिवेंशन, यूज्ड इन द डिजीज, यूज्ड इन द प्रिवेंशन, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड केयर ऑफ डिजीज। प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज है वो हम लोग डिस्कस करेंगे।
ठीक है, उसके बाद हम उसके जो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है वो डिस्कस करते हैं, एंड देन जो हमारा ड्रग है उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है हमारी बॉडी में, वो कैसे हमारी बॉडी में कौन से रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, उसका क्या कितने टाइम में वो रिलीज होगी, हाफ लाइफ जो ड्रग है उसके रिलीज होने में कितना टाइम लगता है, एक्शन कब तक प्रोड्यूस करेगा, कौन से ऑर्गन के साथ रिसेप्टर के साथ जाकर वो बाइंड होकर अपना जो एक्शन है वो प्रोड्यूस करती है, मैकेनिज्म ऑफ ड्रग, उसके थेरेप्यूटिक यूज एंड टॉक्सिसिटी, एंड देन हम जो उसके एडवर्स इफेक्ट है वो स्टडी करेंगे इन फार्माकोलॉजी में। अब जो फार्माकोलॉजी में ये हम सब जो है ऑल जो पॉइंट्स है ये हम लोग डिस्कस करते हैं, स्टडी करते हैं, इसमें हमारे पास जो एक टर्म है वो है जो हम लोग ये सॉरी ये डिस्कस करेंगे जिसको हम लोग बोल देते हैं फार्माकोलॉजी। अब फार्माकोलॉजी है वो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास हम उसको डिवाइड कर देते हैं दो टाइप में हम लोग डिवाइड करेंगे फार्माकोलॉजी को। फर्स्ट वन इज फार्माकोकाइनेटिक एंड सेकंड वन इज फार्माकोडायनामिक्स। जो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग जो फार्माकोलॉजी को उसको दो टाइप से डिवाइड करेंगे, टू क्लासेस में डिवाइड करते हैं। According to medical point of view, can be further divided into two parts.
प्रोडक्ट इन द बॉडी, कि ड्रग हमारी बॉडी में जाकर कैसे हैपन होते हैं, इनके साथ क्या उसमें उसके बीच में बॉडी में जाकर क्या करती है, उसको हम लोग लिख सकते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। अब फार्माकोडायनेमिक्स है जो, उसमें हम लोग जो डिस्कस करते हैं व्हाट द ड्रग डज द बॉडी, कि अब ड्रग ने हमारी बॉडी के साथ जो हमारी जो ड्रग है उसके साथ क्या किया, इसमें हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है ड्रग का। फार्माकोडायनामिक में क्या है, व्हाट द ड्रग डज द बॉडी, इसमें जो हमारे स्टडी हम क्या करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ड्रग का, उसके फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट क्या क्या प्रोड्यूस हुए हमारी बॉडी में जाकर, उसके एडवर्स इफेक्ट क्या है, साइड इफेक्ट क्या है, थेरापेटिक यूज क्या, उसका इंडेक्स कितना है, या फिर उसके जो साइड इफेक्ट्स क्या है, इसमें हम लोग स्टडी करेंगे मैकेनिज्म ऑफ ड्रग। फार्माकोडायनामिक्स में स्टडी करेंगे, ये तो हमारे नेक्स्ट